एक बड़ी खबर सिवान के बड़हिया से आ रही है, जहां पे एक मिठाई दुकानदार से 50,000 की रंगदारी मांगी गई है। खबर बड़हिया से महज 50 मीटर की दूरी पर स्थित एक मिठाई दुकानदार के मालिक उपेंद्र यादव हैं। बताते चले कि उपेंद्र यादव ने थाने में एक आवेदन भी देकर 3 व्यक्ति पर 50,000 की रंगदारी मांगने और नहीं देने पर जान से मारने की धमकी देने का आरोप लगाते हुए प्राथमिकी दर्ज करने का आवेदन भी दे दिया है। दुकानदार ने बताया कि मेरी मिठाई की दुकान बड़हिया सिवान मुख्य पथ पर कई वर्षों से चला रहा है। मैं दुकान पर बैठा था, तभी बड़हिया निवासी टिंकू शाह, अवधेश शाह, श्रीनिवास शाह आए और 50,000 की मांग करने लगे। विरोध करने पर सभी ने जान से मारने की धमकी दी देने लगे। बहरहाल बड़हिया पुलिस आवेदन के आधार पर जांच में जुट गई है। FS न्यूज के साथ सुभाष की रिपोर्ट।